हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट्स है आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम अभी बात करेंगे, उस टॉपिक का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो उत्तर प्रदेश इज ऑल सेट टू डेवेलप अ डॉल्फिन रिजर्व। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक डॉल्फिन रिजर्व जो है वो बनाए जाने की बात जो है वो हो रही है। इसके विषय में हम बात करेंगे, क्यों ये डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी और कैसे डॉल्फिन कंजर्वेशन में ये हेल्प जो है वो करेगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उन कोर्सेज को एनरोल कीजिए और डेफिनेटली अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। तो ये न्यूज आर्टिकल कहता है, उत्तर प्रदेश इज सेट टू डेवेलप डॉल्फिन रिजर्व टू बूस्ट इको टूरिज्म इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर डॉल्फिन के लिए एक अलग से संरक्षित इलाका, एक रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को, इको टूरिज्म को, इकोलॉजिकल टूरिज्म को, पारिस्थितिकी पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो कहां पर ये बनाया जा रहा है, क्या इसका फायदा होगा? अ डेडिकेटेड डॉल्फिन रिजर्व इज बींग प्लैंड इन द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी के इलाके में, गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के नजदीक मौजूद हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक डॉल्फिन रिजर्व को बनाया जा रहा है, जहां पर डॉल्फिन जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। द प्लान फॉर द डेडिकेटेड डॉल्फिन कंजर्वेशन रिजर्व इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द डॉल्फिन पॉपुलेशन बेस विच वुड बूस्ट इको टूरिज्म इन द रीजन। तो इलाके के अंदर डॉल्फिन की जो जनसंख्या है, डॉल्फिन की जो मात्रा है, उसको बढ़ाने के लिए ये रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इको टूरिज्म यानी कि इन डॉल्फिन के कारण, इन डॉल्फिन को देखने के लिए अलग अलग इलाकों से टूरिस्ट, पर्यटक जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इन डॉल्फिन की जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ाए जाने की कोशिश जो है वो यहां पर की जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रजातियों की डॉल्फिन जो है वो पाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डॉल्फिन जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डॉल्फिन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। सबसे पहली है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी के अंदर पाई जाती है। दूसरी है इंदस डॉल्फिन और तीसरी है इरावड़ी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। ये तीन प्रजातियां हैं डॉल्फिन की जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। एक एक करके हम इनको समझेंगे, इनके विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आती है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक नाम से आप समझ पा रहे होंगे, गैंगेटिक का संबंध जो है वो गंगा नदी से है। तो गंगा नदी में ये डॉल्फिन की प्रजाति जो है वो मौजूद है। पहली दफा 1801 1801 में इनके होने की पुष्टि जो है वो हुई थी। आधिकारिक तौर पर इनकी खोज जो है वो 1801 में हुई थी। गंगा रिवर डॉल्फिन वर वंस लिविंग इन द गैंगीज, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम्स। तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, यहां से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णाफुली और सांगू नदी, जो ये रिवर सिस्टम्स हैं, इनके अंदर गंगा नदी के साथ साथ में जो पूरा का पूरा बेसिन है, यहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, गंगा नदी वाली डॉल्फिन जो है, ये सबसे पहले मौजूद हुआ करती थी। गैंगीज रिवर डॉल्फिन या गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जिसको कहते हैं, वो हमेशा फ्रेश वाटर में, साफ पानी में होती है। ये डॉल्फिन की प्रजाति आपको समुद्र में खारे पानी में जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक फ्रेश वाटर फिश है। ये जो है एसेंशियली ब्लाइंड है, ये जो है ये अंधी होती है, याद रखिएगा। ये देख नहीं सकती हैं। अब देख नहीं सकती हैं तो ये फिर अपना शिकार कैसे करती हैं? ये शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल जो है वो करती हैं। दोस्तों, वो सेम टेक्नोलॉजी जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए रेडार्स में इस्तेमाल होती है, वही अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। जिस प्रकार से रेडार से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके ये वापस आकर के रेडार को बताती हैं कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, सेम उसी तरीके से इन डॉल्फिन से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो निकलती है। और मान लीजिए इसके सामने कोई मछली जो है वो मौजूद है, इस मछली से टकरा करके जब ये डॉल्फिन, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वापस डॉल्फिन तक पहुंचेंगी, तो डॉल्फिन जो है वो समझ पाएगी कि आगे इस आकार का, इस शेप का कोई प्रजाति, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, जिस वजह से वो अपने शिकार को जो है वो पकड़ पाती है और वो अपना शिकार जो है वो कर पाती है। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करती हैं और उससे ही अपनी जो शिकार है उसको ये पकड़ती है। ये हमेशा या तो छोटे छोटे ग्रुप्स में पाई जाती हैं या ये अकेली होती हैं।
ऑलमोस्ट अलोन जो है, अकेली जो है ये नदी के अंदर ट्रेवल करती है, या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में, अगर ग्रुप में भी होंगी तो एक मदर शार्क होती है और उसके साथ में उसका एक या दो काफ जो है बच्चे जो है, छोटे डॉल्फिन जो है वो इनके साथ में रह सकते हैं। ज्यादा बड़े झुंड में ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो ट्रेवल नहीं करती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, देश का राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल जो है वो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, इसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी प्रेजेंस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये फिश जो है, ये डॉल्फिन जो है, ये हमेशा साफ पानी में, फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। तो जहां पर भी ये डॉल्फिन, ये गैंगेटिक डॉल्फिन मौजूद होगी, उसका साफ साफ मतलब ये है कि वो पानी जो है वो फ्रेश है। तो इनकी प्रेजेंस जो है ये इंडिकेट करती है हेल्दी रिवर सिस्टम, जहां पर भी साफ पारिस्थितिकी तंत्र होगा नदी का, वहीं पर ये डॉल्फिन जो है वो मौजूद होगी। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, IUCN की लिस्ट के अंदर इनको जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, इस वजह से इनकी कंजर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बाद जो अन्य प्रजाति है वो है इंदस रिवर डॉल्फिन की, तो आप नदी नाम से समझ पा रहे होंगे, इंदस नदी में ये पाई जाती है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इंदस रिवर डॉल्फिन जो है पहले टेथिस सी में हुआ करती थी, जहां पर आज माइटी हिमालयाज मौजूद है, वहां पर पहले ये इंदस रिवर डॉल्फिन जो है वो हुआ करती थी, उस टेथिस सी में ये पाई जाती थी। मगर 50 मिलियन वर्ष पहले जब वो टेथिस सी जो है वो ड्राई हो गया, वो सूख गया, तो इन डॉल्फिन ने जो है वो आसपास की नदियों का रुख किया। ऐसा माना जाता है कि पहले टेथिस सी में ये रहा करती थी, जब टेथिस सी ड्राई हो गया उसके बाद ये डॉल्फिन जो है वो आसपास की नदियों में जाना शुरू हो गई। टुडे दे कैन ओनली बी फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ इंदस रिवर इन पाकिस्तान एंड रिवर ब्यास इन पंजाब। तो याद रखिएगा, इंदस नदी में पाकिस्तान के अंदर कुछ ये इंदस डॉल्फिन जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा ये डॉल्फिन जो है वो इंदस नदी की ही एक ट्राइब्यूटरी, एक सहायक नदी, ब्यास पंजाब के अंदर, भारत के पंजाब राज्य में ब्यास नदी जो है वो होकर के गुजरती है, उस ब्यास नदी में पंजाब के अंदर ये इंदस रिवर डॉल्फिन की मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। अगेन ये भी जो है वो IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, इट कम्स अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। इस क्यों एंडेंजर्ड है, क्योंकि द मेन थ्रेट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस डैम्स एंड बैराजेस दैट स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स, डिग्रेड देयर हैबिटेट एंड इम्पीड देयर माइग्रेशन। इनको एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि ये जो इंदस डॉल्फिन्स हैं, इनको सबसे ज्यादा खतरा है बहुत सारे बैराजेस और बांध और डैम जो बनाए जा रहे हैं ब्यास नदी के ऊपर, उनसे इनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उन डैम्स की कंस्ट्रक्शन के कारण इनका जो आवास है, इनकी जो हैबिटेट है, वो विभाजित हो जाता है, वो डिवाइड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो जाता है, और इनकी माइग्रेशन को भी बाधित करता है। अब ये आसानी से नदी के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा पाती हैं। अल्टीमेटली फिर जब इनका हैबिटेट डिग्रेड हो जाता है तो इनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण है अवैध शिकार, जहां पर अवैध शिकार किया जाता है वहां पर इनको नुकसान होता है, क्योंकि बहुत बार ये मछली पकड़ने वाले जाल में जो है वो फंस जाती हैं, जाल में उलझ जाती हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ नदियों में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण, आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद रहती है, तो नदियों में जब पॉल्यूशन का स्तर, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता है, तब भी इनकी प्रेजेंस जो है वो खतरे में आ जाती है। तो ये है इंपॉर्टेंट इरावड़ी इंदस रिवर डॉल्फिन। उसके बाद आती है इरावड़ी डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन कहां है, दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंटली दे आर फाउंड इन थ्री रिवर्स, एयरवडी या एरावडी जिसको कहते हैं, एरावदी म्यांमार के अंदर ये पाई जाती है, महाकम नदी इंडोनेशिया के अंदर, और मैकोंग रिवर में। इन तीन नदियों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है एशिया के अंदर। पूरे विश्व में इनकी पॉपुलेशन जो है वो 7,500 से कम रह गई है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज एक्वेटिक मैमल्स इन द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 7,500। तो 1,500 से कम की आबादी जो है इनकी पूरे विश्व में आज जो है वो एस्टिमेट की जाती है। ये भी जो है वो IUCN के लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में इरावड़ी डॉल्फिन जो है वो चिलिका लेक में पाई जाती है, ओडिशा के चिलिका लेक में ये डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ इरावड़ी डॉल्फिन हैज डबल्ड इन चिलिका लेक सिंस लास्ट ईयर। ये एक बहुत ही
पॉजिटिव साइन है। पिछले साल 2020 के अंदर ये देखा गया था कि इरावड़ी डॉल्फिन्स जो हैं उनकी आबादी चिलिका लेक के अंदर तकरीबन डबल हो गई है, दो गुना हो गई है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी है। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन माना जाता है। क्या वजह है, क्यों इसकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हुई है? उसका कारण है इविक्शन ऑफ इलीगल फिश एनक्लोजर्स। तो अवैध रूप से मछली को पकड़ने के लिए वहां पे एनक्लोजर्स बाड़ जो है वो बनाई गई थी, जाके जहां से मछलियां जो है वो पकड़ी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि वहां से गैर कानूनी रूप में बनाई गई सारी की सारी मछली पकड़ने वाली बाड़ जो है उसको हटा दिया गया, जिस वजह से अब इनको किसी प्रकार का खतरा वहां पर नहीं है। इस वजह से इरावड़ी डॉल्फिन जो है वो चिलिका लेक के अंदर उसकी पॉपुलेशन जो है वो दो गुनी हो चुकी है। ये है दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स की डॉल्फिन्स। यहां पर हम बात कर रहे थे गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए एक डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा। तो इस वजह से हम बात कर लेंगे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी। ये जो है वो गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वन जीव्य अभयारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। 1986 में इसको बनाया गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1986। करीब 2080 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिले से होकर के निकलता है। तो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जहां से ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो होकर के गुजरती है गंगा नदी के तट पर, उसमें शामिल है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा। यहां पर क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गंगा नदी के तट पर है, तो इस गंगा नदी में ये डॉल्फिन जो है आप देख पा रहे हैं, ये गैंगेटिक डॉल्फिन की हम बात कर रहे थे, ये यहां पर गंगा नदी में पाई जाती हैं। और इसी गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहां पर टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डॉल्फिन रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। इन द बिड टू बूस्ट इको टूरिज्म इन यूपी, अ डेडिकेटेड डॉल्फिन रिजर्व इज बीइंग प्लान्ड इन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ स्टेट। तो राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में से एक है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा इसलिए कहा गया, क्यों ऐसा प्रपोजल दिया गया कि यहां पर एक डॉल्फिन रिजर्व जो है वो बनाया जाए? बिकॉज दिस नेशनल एक्वेटिक एनिमल हैज विटनेस्ड अ स्टडी ग्रोथ इन द रीजन फ्रॉम टोटल 22 इन 2015 टू 51 एट प्रेजेंट। पिछले कुछ समय में करीब 5 से 6 सालों में यहां पर एक बड़ा ग्रोथ जो है वो इनकी जनसंख्या में देखा गया है। यहां पर इनकी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, इस वजह से इनके लिए यहां पर रिजर्व बनाए जाने की बात हो रही है। 2015 में गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो 22 थी इन नंबर, गिनती में वो 22 थी, लेकिन आज 2021 में उनकी आबादी जो है वो बढ़कर के 41 41 जो है वो हो चुकी है। अगर यहां पर ऑलरेडी जो है वो राइज कर रही है पॉपुलेशन इनकी, अगर इसको थोड़ा सा और कंजर्व किया जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इनकी कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूपी गवर्नमेंट जो है वो मिलकर के काम कर रहे हैं। तो WWF और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के गैंगेटिक डॉल्फिन्स को बनाने बचाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। प्लान क्या है? ऑलरेडी एक गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो विक्रमशिला के अंदर, विक्रमशिला नाम से गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो बिहार के भागलपुर में बनाई गई है। ऑलरेडी बिहार के भागलपुर में एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो मौजूद है। बस उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहां पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए एक रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। द रिजर्व विल बी मेड वेयर द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डॉल्फिन्स इज फाउंड। यहां पर डॉल्फिन्स का सबसे बड़ा जमावड़ा, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है वो देखने को मिलेगी। यहां पर गहरे पूल बनाए जाएंगे जो कि इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉल्फिन्स को ब्रीड करने के लिए गहरे पानी की जरूरत होती है। तो इस जो नई वाइल्ड लाइफ, जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नया डॉल्फिन रिजर्व बन रहा है, वहां पर डीप पूल्स होंगे जो कि इनकी ब्रीडिंग में और इनकी कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करने वाले। दोस्तों लास्ट ईयर, पिछले साल माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। प्रति वर्ष, एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स गंगा रिवर डॉल्फिन डे। याद रखिएगा, हर साल 5 अक्टूबर को गंगा रिवर डॉल्फिन डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गंगा रिवर डॉल्फिन जो है उसको 2010 में भारत का राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल जो है हिंदुस्तान का 2010 में एक गंगा रिवर डॉल्फिन को घोषित किया गया था 5 अक्टूबर के दिन, और इसी वजह से हर साल 5 अक्टूबर का जो दिन है वो गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। 2012 में इन डॉल्फिन्स की कंजर्वेशन की जो है वो शुरुआत हुई। वर्ल्ड वाइड फंड
और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, WWF और यूपी गवर्नमेंट ने मिल करके इनको जो है प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो ली थी। और क्योंकि ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के तरीके से बनाई जा रही है, तो बात कर लेते हैं इस विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन की। तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में मौजूद है। ये करीब 60 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जो गंगा नदी के साथ साथ में चलता है। ये सुल्तानगंज टू कहलगांव, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक ये सेंचुरी जो है वो मौजूद है। इट वाज नोटिफाइड एज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी 1991, 1991 में इसको जो है वो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो बनाया गया था। ये तस्वीर जो है वो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी की है। इस तरीके का प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि गैंगेटिक डॉल्फिन्स को कंजर्व किया जा सके और वहां पर इन डॉल्फिन्स को देखने के लिए टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए। लोग आकर के इन डॉल्फिन्स को जहां पर जो है वो देख सकते हैं। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। इससे जिसकी हमने बात करी है, इस विषय को समझ करके ये चीज सामने आती है कि हम डॉल्फिन्स को कंजर्व भी कर पाएंगे और साथ ही साथ पर्यटन को, टूरिज्म को भी बढ़ावा दे पाएंगे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद हैं। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज का लाभ लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।